चलिए फिलहाल बड़ी खबर। गहलोत कैबिनेट की बैठक का समय बदला है। अब आज दोपहर 2 बजे के बजाय शाम 5:30 बजे ये बैठक होगी। सीएमआर में मुख्यमंत्री गहलोत ये कैबिनेट की बैठक लेने वाले हैं। 6 एजेंडे 6 विभाग। इन बैठकों के लिए मुख्य तौर पर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर भी आज बात होने वाली थी। 9 बजे का समय इस बैठक के लिए कैबिनेट बैठक के लिए पहले प्रस्तावित था, लेकिन अब समय में बदलाव किए गए हैं। अब शाम 5:30 बजे ये बैठक होगी। सीएमआर में मुख्यमंत्री गहलोत कैबिनेट की बैठक अब लेंगी। बड़ी खबर है इस वक्त की। गहलोत कैबिनेट की बैठक का समय बदला है। 2 बजे का समय पहले निर्धारित था, लेकिन अब शाम 5:30 बजे ये बैठक होगी। सीएमआर में गहलोत कैबिनेट की बैठक शाम 5:30 बजे होगी। तो गहलोत कैबिनेट की बैठक का समय बदला है, अब दोपहर 2 बजे के बजाय शाम 5:30 बजे ये बैठक। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता ऋतुराज शर्मा इस वक्त फोनलाइन पर जुड़ गए। ऋतुराज, समय बदला गया है कैबिनेट की बैठक का, कुछ समय में परिवर्तन है, क्या पूरी जानकारी? देखिए, व्यस्तता के चलते समय बदला गया है और इसमें 5 विभागों के 5 एजेंडे हैं कैबिनेट की बैठक में। शाम 5:30 बजे अब होगी ये, पहले दोपहर 2 बजे होने वाली थी। कृषि विभाग का जो एजेंडा है उसमें कृषि उपज मंडी संशोधन अध्यादेश 2012-22 के बारे में विचार होगा और इस संशोधन के जरिए कृषि उपज मंडी के तहत जो खरीद फरोख्त होती है उसके तहत संशोधन किया जाएगा। चिकित्सा स्वास्थ्य अधीन सेवा नियम में संशोधन का प्रस्ताव है, जिसमें नेत्र सहायक संबंध में पदोन्नति क्रम निर्धारित किए जाएंगे, जिससे पदोन्नति के और रास्ते खुलेंगे। इसी तरह ओपीएस के तहत और सुविधाएं देने के लिए राज्य सरकार राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधानी निधि नियम में संशोधन का प्रस्ताव है। शिक्षा विभाग का जो प्रस्ताव है वह है उस माध्यमिक स्कूल भूसावर का नाम स्वर्गीय जगन्नाथ पाड़िया के नाम पे करने का है। आईटी का प्रस्ताव है, राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी संस्थान को सोसाइटी के रूप में स्थापित करने का और बायलॉज बनाने का प्रस्ताव है। तो शाम 5:30 बजे यह सीएमआर में बैठक हो। जी बिल्कुल। चलिए ऋतुराज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।